नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज एक और दुखद घटना जो भारतीय रेलवे में घट गई है उसी के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ? एक बार फिर एक पैसेंजर ट्रेन शिकार हो चुकी है कोलिजन का, जिसमें एक मालगाड़ी ने सीधा टक्कर मार दी है पीछे से एक ICF कोचेस वाली एक्सप्रेस ट्रेन को, जिसका नाम था कंचनजंगा एक्सप्रेस। और आज सुबह 9 बजे ये घटना हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि अगरतला से सियालदह की तरफ जा रही थी, तो ये ट्रेन आज जब न्यू जलपाईगुड़ी से लगभग 7 किलोमीटर पास में रंगापानी स्टेशन के समीप पहुंची, तो वहां पर इस ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी से हुई, जिसमें मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी है बताया जा रहा है। और पीछे इस ट्रेन के 2 डब्बे क्षतिग्रस्त हो गए और डिरेल भी हो गए, और एक तो बहुत ज़्यादा कैप्साइज्ड भी हो गया। और पीछे जो होते हैं वो जनरल कोचेस ज़रूर होते हैं, तो इसमें जनरल कोच जरूर चपेट में आया है। अभी बताया जा रहा है कि 60 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं और 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें गुड्स ट्रेन के लोको पायलट जो कि WG9 लोकोमोटिव चला रहे थे, उसमें एक लोको पायलट की भी मृत्यु हो गई है बताया जा रहा है। तो 8 लोगों में लोको पायलट भी शामिल है। तो इन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सांत्वना मेरे दिल में है। एज अ रेल फैन और एक देश का नागरिक होने के नाते इन सभी घटनाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है, और अच्छा नहीं लगता कि भारतीय रेलवे आज के टाइम पर भी इस तरीके के एक्सीडेंट को कैसे होने दे रहा है। कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है। और पिछले आपने 1.5 साल में देखा होगा कहीं एक्सप्रेस ट्रेन जो कि इन्वॉल्व हुई हैं एक्सीडेंट में, उनके साथ में कहीं ना कहीं गुड्स ट्रेन इन्वॉल्व रही है, जिसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो कि एक्सीडेंट का शिकार हुई, उसमें भी गुड्स ट्रेन ने पीछे से टक्कर मारी है। और अभी ममता बनर्जी जिनकी वेस्ट बंगाल में सरकार है, उनकी तरफ से भी बोलना है कि अभी रेलवे मान के चल रहा है कि गुड्स के लोको पायलट की ही यहाँ पर गलती थी, जो कि इसमें अभी शामिल रहे हैं जिनकी खुद की भी मृत्यु हो गई है। तो अभी इसमें कोई इनिशियल रिपोर्ट तो नहीं आई, देखते हैं क्या आता है सामने। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 सालों के अंदर जो ट्रेन एक्सीडेंट अचानक से होने लगे हैं, उसमें गुड्स ट्रेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है, चाहे वो डायरेक्ट कोलिजन ही क्यों ना हो। तो ये देखना ज़रूरी हो गया है क्या हम लोग गुड्स ऑपरेशन के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें गुड्स ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बड़ा है। अगर ऑपरेशन में ज़्यादा प्रेशर है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लोको पायलट्स की ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम है जो LPG कहलाते हैं, या फिर उनके कार्य करने की जो टाइमिंग है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उस पर कोई चूक है, या फिर उसमें ज़्यादा लोगों की संख्या की ज़रूरत है, ऐसा भी कुछ है। तो ये सब चीज़ें पहले भी उठी हैं, मैं फिर से आज बोल रहा हूँ दोस्तों, इस पर रेलवे मिनिस्टर जो अभी अश्विनी वैष्णव जी हैं उनको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ दोस्तों भारतीय रेलवे इस पर जल्द से जल्द कुछ अच्छा काम करे जो हमको दिखाई भी दे और जो मैं आपको बता भी सकूँ। दूसरी बात दोस्तों, इस एक्सीडेंट को लेकर के जो भी रिपोर्ट आती है उसके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल के साथ में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।